ट्रांसक्रिप्शन क्लास टेक आउट इंग्लिश सीवर कॉपी राइट ऑन डेट रीड एंड राइट सीवर बेटा आज हम राइट करेंगे ए दिस साउंड इज दिस ए ए जो है वो हम वन डॉट पे राइट करेंगे अगेन बता रही हूँ जो है वो हम इंग्लिश कॉपी की जो सेकंड लाइन होगी वहाँ पे वन डॉट लगा के राइट करेंगे। इस तरह आपने पूरा पेज प्लान करना है और जो हेडिंग होगी वो आप पेंसिल से राइट कीजिएगा, कोई भी बच्चा पेन यूज़ ना करे। आई एम टेलिंग यू डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ ए वॉच इट केयरफुली इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। फर्स्ट मेक अ खा देन गो अप देन टर्न इनसाइड ए। अगर बेटा आप ए डाउन द लाइन राइट करेंगे ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन होगी। अगेन फर्स्ट स्टिक बनाए, फर्स्ट मेक अ स्टिक देन टर्न अराउंड ए विच साउंड इज दिस ए विच साउंड इज दिस ए। अगर बेटा आप ए अप द लाइन राइट करेंगे ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट मेक अ स्टिक देन टर्न अराउंड ए विच साउंड इज दिस ए। अगर बेटा आप सबसे पहले खा राइट करेंगे तो खा जो है वो लाइन डाउन द लाइन ले जाएंगे, देन इनसाइड जो लाइन लगाएंगे वो आपको बहुत बड़ी लगा देंगी, फिर रॉन्ग फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट मेक अ खा देन गो अप एंड टर्न इनसाइड ए दिस साउंड इज दिस ए दिस साउंड इज दिस ए। अगर बेटा आप खा जो है थ्री लाइंस में राइट करेंगे देन टर्न इनसाइड करेंगे, फिर रॉन्ग फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट मेक अ खा गो अप एंड टर्न इनसाइड ए। अगर बेटा आप खा राइट करेंगे और स्टिक जो बनाएंगे वो आप बहुत ज़्यादा छोटी बनाएंगे, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट मेक अ खा देन गो अप एंड टर्न इनसाइड ए। कॉन्सेप्शन क्लास बेटा वन लाइन में टीचर ने आपको राइट और रॉन्ग फॉर्मेशन बता दी है। पहले वीडियो क्लिप को 2 to 3 times अच्छे से देखिएगा, 2 to 3 times इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, देन वीडियो क्लिप बना के सेंड कीजिएगा विद करेक्ट फॉर्मेशन।